वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बहुत सारे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं जिनकी तरफ ध्यान देकर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की जर्नी काफी हद तक आसान हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम स्मित ठक्कर एंड दिस इज एस्प्रेसो बूट कैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो से हम सीखेंगे कि वैल्यू स्टॉक्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे ढूंढ के निकाला जा सकता है। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे स्क्रीनर्स के बारे में भी समझेंगे जो आपको स्टॉक का वैल्यूएशन पता करने में हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट आर वैल्यू स्टॉक्स। वैल्यू स्टॉक्स वो होते हैं जो रिलेटिवली लो वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। दिस मीन्स कि वैल्यू स्टॉक्स का करंट शेयर प्राइस उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होता है। वैल्यू स्टॉक्स को पहचानने में कुछ स्क्रीनर्स हमारी मदद करते हैं, जैसे कि नंबर वन, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो उसको बोला जाता है। पी रेशियो इज द करंट शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी डिवाइडेड बाय ईपीएस, यानी कि अर्निंग पर शेयर। दिस टेल्स अस हाउ मच वैल्यू द स्टॉक असाइंस टू ईच रूपी ऑफ इट्स अर्निंग्स। अगर पी रेशियो हाई है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, स्टॉक ओवर वैल्यूड है या फिर इन्वेस्टर्स फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ रेट्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और इसीलिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है। नंबर टू, बुक वैल्यू पर शेयर, BVPS। बुक वैल्यू इज द अमाउंट दैट शेयर होल्डर्स वुड रिसीव इफ ऑल इट्स एसेट्स वर लिक्विडेटेड एंड ऑल इट्स लायबिलिटीज पेड। इट इज कैलकुलेटेड एज टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। This value is then divided by the number of outstanding shares to arrive at the BVPS. Book value per share gives a fair and reasonably accurate estimation of stock's value. अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू उसके शेयर प्राइस से ज्यादा है तो इसका मतलब यह है कि उस कंपनी का स्टॉक अभी अंडरवैल्यूड है। नंबर थ्री, डेट टू इक्विटी रेशियो। This ratio highlights the company's total debt compared to its total shareholders' equity. The DE, yani ki debt to equity ratio, varies from different companies operating in different industries. Debt to equity ratio high होने का मतलब है कि कंपनी ने ज्यादा डेट ले रखा है। वैसे ज्यादा डेट लेना कोई बुरी बात नहीं है, बट सिर्फ तब तक जब कंपनी की कैश फ्लो जनरेट करने की एबिलिटी अच्छी हो। Then number four, earning growth. दोस्तों, अगर आपको पता करना है कि कोई कंपनी वैल्यू जनरेट कर रही है या नहीं तो आपको अर्निंग्स ग्रोथ ट्रेंड एंड फोरकास्ट की तरफ अच्छे से देखना चाहिए। वैल्यू इन्वेस्टिंग में हम देखते हैं कि क्या कोई कंपनी अभी प्रॉफिटेबल है और क्या वो समय के साथ लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। इसके लिए आप ईपीएस देख सकते हैं। इसे कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट्स को इक्विटी कैपिटल से डिवाइड किया जाता है। देन नंबर फाइव, डिविडेंड पे आउट। ऐसी कंपनीज जो रेगुलर डिविडेंड्स देती है वो अपने प्रॉफिट में से वो आपको पैसिव इनकम का एक स्टेबल सोर्स देती है। वैल्यू इन्वेस्टिंग में वैसे भी कैपिटल एप्रिसिएशन थोड़ा धीरे धीरे होता है, इसलिए इन्वेस्टर्स डिविडेंड पे आउट पर फोकस कर सकते हैं। इन सारे स्क्रीनर्स को यूज करके आप अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं थ्रू वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। Tell us what you think of this video in the comment section below. Like, share and subscribe. Milte hain aise hi interesting video mein. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.